अगर हम ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्या हम जनरल कैटेगरी भर करके फॉर्म फिल कर सकते हैं? बहुत सारे बच्चों का ऐसा डाउट रहता है क्योंकि वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा नहीं पाते, तो इस तरह का डाउट उनके मन में आता है। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं इस बारे में, और इस बारे में पूरी क्लैरिटी मैं आपको दे दूंगी आज के वीडियो में। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस, दिस इज सुमन यादव। नीट यूजी के एग्ज़ाम में आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाता है, लेकिन जनरल वालों से कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, बाकी कैटेगरी वालों से कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ठीक है, सो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता, या होता भी है तो पुराना होता है, वो लोग अपलोड नहीं कर पाते समय पे, तो क्या वो एज अ जनरल फॉर्म भर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल आप जनरल की तरह फॉर्म भर सकते हो, लेकिन फिर आपको कैटेगरी में कोई छूट नहीं मिलेगी और आपको जनरल ही माना जाएगा, आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो जनरल की ही कट ऑफ जाएगी। ठीक है, आपको कैटेगरी का कोई रिलैक्सेशन कहीं नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आती है? कई लोग फिर ऐसा पूछेंगे कि क्या हम काउंसलिंग में, काउंसलिंग तक हम अपना बनवा लेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो क्या काउंसलिंग में फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट हम यूज़ कर पाएंगे? तो आंसर है कुछ काउंसलिंग में कर पाओगे, कुछ काउंसलिंग में नहीं कर पाओगे। जैसे कि जो डायरेक्ट एमसीसी की काउंसलिंग होती है उसमें 99% चांसेस हैं कि आप कैटेगरी अपनी चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, हर साल कुछ ना कुछ हल्का फुल्का वो बदलाव करते रहते हैं, एडिट करने के ऑप्शंस में छोटे मोटे चेंजेस आते रहते हैं। सो अगर कोई चेंज आता है तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगी, लेकिन फिलहाल अभी तक के लिए आपको बता देती हूँ कि एमसीसी में आप अपनी कैटेगरी नहीं चेंज कर पाओगे, आयुष काउंसलिंग में और स्टेट के एमसीसी काउंसलिंग में आप अपनी कैटेगरी चेंज कर पाओगे, और ये भी कुछ स्टेट्स में वैलिड है, कुछ स्टेट्स में वैलिड नहीं है। सो आपके लिए सिक्योरिटी इसी बात में रहेगी कि आप पहले से ही, अगर आप मतलब किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो पहले से ही उसका सर्टिफिकेट बनवा के रखो, फॉर्म फिलिंग के टाइम सर्टिफिकेट अपलोड करो, अदरवाइज बाद में आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा अपनी कैटेगरी चेंज करने में। और आपको अगर जनरल माना गया तो जाहिर सी बात है जो आपकी कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाएगी। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले से कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा के रखो अगर बनवा सकते हो। नहीं बनवा सकते हो, बहुत प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, आप जनरल की तरह फॉर्म भर सकते हो, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कट ऑफ से रिलेटेड सिर्फ प्रॉब्लम आएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। एंड अगर आप नीट के प्रिपरेशन कर रहे हो, सिलेबस आपको न्यू वाला सिलेबस, जो नया सिलेबस है 2025 के लिए, वो आपको नहीं पता तो आप ये देख सकते हो। अगर आपको नीट 2025 की एलिजिबिलिटी नहीं पता कि क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग के भी बहुत सारे नए रूल्स इस बार निकले थे, तो एलिजिबिलिटी मैटर करती है 2025 में। सो क्या एलिजिबिलिटी होगी वो अनूप सर ने इस वीडियो में बता दी है। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। नीट से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई और टॉपिक आपको चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट में मेंशन करो, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।